हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और समझने वाला टॉपिक है ये यूरिन फॉर्मेशन, तो ध्यान से आप देखो वीडियो को। तो व्हाट इज यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे, ठीक है ना? तो यूरिन फॉर्मेशन में तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, थ्री स्टेप्स। थ्री स्टेप्स और प्रोसेस, थ्री स्टेप्स और प्रोसेस और प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। ओके, तो तीन स्टेप या प्रोसेसेस हैं जिससे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दैट इज प्रोसेस नंबर फर्स्ट। सेकेंड इज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्लियर? तो ये तीन प्रोसेस से यूरिन बनता है। आइए समझते हैं क्या है ये तीन प्रोसेस। सपोज ये हमारा नेफ्रॉन है, इसमें बॉमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी, फिर ये लूप ऑफ हेलियर, फिर ये डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? फिर यहां से एफरेंट आर्टेरियल ब्लड लेके आए, कहां पे ग्लोमेरुलस बनाया उसने, तो एफरेंट आर्टेरियल से ब्लड आया, इस तरह से एफरेंट आर्टेरियल ब्लड लेके आया, ये एफरेंट आर्टेरियल है, यहां से ये एफरेंट आर्टेरियल, और एफरेंट आर्टेरियल ही डिवाइड होती है बच्चों किसमें, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। तो सपोज इस तरह से हमने पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ड्रॉ कर दी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हमने ड्रॉ कर दी, इसके बाद ये वासा रेक्टा है, ये सारा टर्म आपको बताया गया है। इस तरह से तो व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो दिस इज ग्लोमेरुलस, ये वाला हिस्सा ग्लोमेरुलस है, इसको मैंने सेडेट किया है, और ये जो पूरा पोर्शन है ये ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होके आता है यहां बाउमेंस कैप्सूल में, ठीक है ना? ये क्या है, ये है बाउमेंस कैप्सूल। तो बाउमेंस कैप्सूल में ये ब्लड फिल्टर होकर आया, और ये जब फिल्टर होकर आया तो इसको बोलते हैं हम जीएफ यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना? दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो उसी ब्लड को हम बोलते हैं, ये दिख रहा है ग्लोमेरुलस, नहीं ये नहीं दिख रहा, सेट तो अब बच्चों आपको ये दिख रहा होगा। तो यूरिन में तीन स्टेप्स थे,
तीन स्टेप से या तीन प्रोसेस से क्या होता है यूरिन बन पाता है। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, ब्लड को फिल्टर कराता है यहाँ पे, और जो ब्लड फिल्टर होके बना इसी को बोलते हैं जीएफ, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो पहला प्रोसेस हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ से यहाँ, दैट इज प्रोसेस नंबर वन। यहाँ पे प्रोसेस नंबर वन, प्रोसेस नंबर वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर क्या होता है, जो चीजें फिल्टर हो गई हैं जीएफ में वो क्या होता है, वो ब्लड में आ जाती हैं। तो वो ब्लड में क्या होता है, आती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, यानी ब्लड फिल्टर हुआ, बना जीएफ, और जीएफ में बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको फिर से ब्लड में रीअब्सॉर्ब कराया जाता है। दिस इज ब्लड कैपिलरी, है ना, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, इसी को वासा रेक्टा बोला यहाँ पर, लूप ऑफ फिलने के राउंड। तो दिस इज प्रोसेस नंबर सेकेंड बच्चों, दैट इज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। डायग्राम से मैं बता रहा हूँ, फिर हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो दैट इज प्रोसेस नंबर सेकेंड। तो यहाँ प्रोसेस नंबर फर्स्ट यानी दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ये हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड इज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। एंड थर्ड इज, अब क्या होता है देखो, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, और ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ट्यूबुलर सेल, मतलब पीसीटी डीसीटी में जो सेल्स हैं, ठीक है ना, पीसीटी डीसीटी के जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, इसमें चीजों को पोर करने में हेल्प करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करके ब्लड में पोर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पीसीटी में इस तरह के सेल्स हैं, और ये सेल्स क्या करेंगे, ये सेल्स चीजों को एब्जॉर्ब करा के यहाँ से जीएफ से चीजों को एब्जॉर्ब कराएंगे, और ये सारी चीजें फिर से ब्लड में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूबुलर सेल्स जो है, पीसीटी क्या है, ट्यूब्यूल है, तो पीसीटी के सेल्स को हम ट्यूबुलर सेल्स बोल सकते हैं। तो ये पीसीटी के जो सेल्स हैं ये हेल्प कराते हैं रीअब्सॉर्प्शन में, तो इसी कारण इसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। मतलब जीएफ से बहुत सारे सब्सटेंस, आगे हम लोग देखेंगे, जीएफ से बहुत सारे सब्सटेंस को पीसीटी के सेल्स यानी ट्यूबुलर सेल्स ये रीअब्सॉर्ब करके इसको ब्लड में पोर करा देते हैं, ठीक है ना। वैसे ही डीसीटी के सेल्स क्या है, ये डीसीटी के सेल्स एब्जॉर्ब करा के, मान लो यहाँ पे डीसीटी के सेल्स हैं, तो ये डीसीटी के सेल्स, मान लो इस तरह के डीसीटी के सेल्स हैं, तो ये डीसीटी के सेल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करके इसको ब्लड में पोर करा देंगे, ठीक है। और जो डीसीटी पीसीटी है क्या है, ट्यूबुलर सेल है, इसी कारण ट्यूबुलर सेल्स हैं, इसी कारण इसको ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन बोल रहे हैं। अब तीसरा प्रोसेस, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब कि ब्लड तो यहाँ फिल्टर हुआ, उससे चीजें यहाँ फिल्टर होके आ गई, लेकिन कुछ चीजें ब्लड में रह जाती हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। तो ब्लड सोचता है क्यों मैं इस कचरे को ढो के ले जाऊं फिर बॉडी में, तो वो फिर से जीएफ में या नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में डाल देता है उस कचरे को, वो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है या जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, दैट इज प्रोसेस नंबर थर्ड। तो यहाँ से मान लो चीजों को यहाँ डाल देना, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ पे ब्लड से चीजों को डाल देना, दैट इज प्रोसेस नंबर थर्ड। ये थर्ड, ये थर्ड, ये थर्ड, ये सारे थर्ड नंबर हो गए। यानी देखो एरो ध्यान से देखना, तो ब्लड से चीजों को फिर से पोर कर देना, दैट इज प्रोसेस नंबर थर्ड। और जो प्रोसेस नंबर थर्ड है इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्लियर। तो अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, एंड थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये डायग्राम आप ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रोसेस क्या है और कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, क्लियर।
तो ये ध्यान रखना आपको। तो इसको मैं अब रब करता हूँ, एक एक प्रोसेस को डिटेल में हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दैट इज फर्स्ट। व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? ओके, तो याद रखना ब्लड इज filtered, blood is filtered by glomerulus, blood is filtered by glomerulus, glomerulus, so blood is filtered by glomerulus or filtered at the level of glomerulus, this filtration is ऐसे लिख लो ब्लड इज फिल्टर्ड एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस, एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, दिस फिल्ट्रेशन, दिस फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड एज filtration is called as glomerular filtration. At the level, or you can also write that glomerulus. या ऐसे ब्लड इज, और ऐसे कर सकते लिख सकते हो, और दूसरा लाइन भी वही है सेम, फिल्ट्रेशन दैट इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस इज called as glomerular filtration. दोनों same thing है, मतलब क्या है कि filtration glomerulus के level पे, या filtration कौन करता है? glomerulus. clear? तो glomerulus, इसी को बोलते हैं glomerular filtration. समझ में आ गया आपको? तो ब्लड एफरेंट आर्टरियोल में आया और ग्लोमेरुलस ने फिल्टर किया। अब दूसरा याद रखना है पॉइंट आपको, यहीं पे लिखता हूं मैं, याद रखना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? तो याद रखना है ग्लोमेरुलर filtration is a ultra filtration, glomerular filtration is a ultra filtration, इसको बोलते हैं हम ultra filtration. What is ultra filtration? तो ultra filtration is a fine